स्लिम डिजाइन के साथ आने वाला ये है सैमसंग का क्रिस्टल 4K न्यू सीरीज, जो एक अल्ट्रा HD स्मार्ट टीवी है जिसका सीरियल नंबर UA43AUE65AKXXL है। ये टीवी 43 इंच के साथ आता है। 30,000 रुपए के लगभग आने वाला ये टीवी एक बेहतरीन टीवी है। छोटी सी अनबॉक्सिंग के साथ शुरू करते हैं। इसके बॉक्स में टीवी के अलावा स्मार्ट रिमोट और दो बैटरी AA की मिल जाती हैं। सबसे पहले डिस्प्ले की बात करते हैं। ये एक बेजल लेस डिजाइन में आने वाला टीवी है जिसका स्क्रीन साइज 43 इंच है और ये एक 4K डिस्प्ले है जो 50Hz रिफ्रेश रेट को सपोर्ट करती है। इसके साथ ही HDR10 का सपोर्ट होने के कारण आपको OTT प्लेटफॉर्म पर HD वीडियो देखने में कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इसका ब्राइटनेस लेवल किसी भी साइट पर सही से नहीं दिया गया है, लेकिन यूज करने में आपको कोई परेशानी नहीं होने वाली है। इसका व्यू एंगल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल 178 है, जो काफी अच्छा है। प्रोसेसर की बात करते हैं। इसमें सैमसंग ने क्रिस्टल प्रोसेसर 4K दिया है जो 4K वीडियो को अच्छी तरह संभाल लेता है। सिस्टम OS, सैमसंग ने इसमें टाइजेन OS दिया है जो काफी अच्छा है। स्टोरेज, सैमसंग ने इसमें 8GB की स्टोरेज दी है जिसमें से लगभग 4GB टाइजेन OS की मेमोरी से फुल हो जाता है, बाकी बचता है 4GB। उस 4GB में कुछ मेमोरी सपोर्टेड एप्लीकेशन जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, सोनी लाइव, G5 और यूट्यूब जैसी एप्लीकेशन ले लेती हैं। कुल मिलाकर कहा जाए तो 8GB में से 2 से 3GB ही लास्ट में स्टोरेज बचता है। रैम, सैमसंग ने इसमें आपको 1.5GB की रैम दी है जो एप्लीकेशन रन कराने के लिए ठीक है। कनेक्टिविटी, इस टीवी में आपको एक USB पोर्ट मिलता है और 3 पोर्ट HDMI पोर्ट मिलते हैं। इसके अलावा इसमें आपको 1 पोर्ट स्पीकर आउटपुट और 1 पोर्ट ईथरनेट का मिल जाता है। इसमें आपको Wi-Fi, ब्लूटूथ, मिराकास्ट जैसी फीचर मिल जाते हैं और इस टीवी को लैपटॉप या CPU से कनेक्ट करके बड़ी स्क्रीन में यूज कर सकते हैं। ऑडियो, इसमें आपको 10-10 वाट के 2 स्पीकर मिलते हैं जो टोटल 20 वाट का होता है। इस टीवी में ऑडियो स्पीकर Dolby के साथ आते हैं। सैमसंग का ये टीवी MP3, MP4A, MPPA और AAC फॉर्मेट को सपोर्ट करता है। तो वीडियो की बात करें तो ये टीवी HDR10 को सपोर्ट करता है के अलावा MP4, MKV और 3GP फॉर्मेट को भी सपोर्ट करता है। इसमें आपको फिल्म मेकर मोड भी मिलता है। रिमोट की बात करें तो इस टीवी के साथ आपको स्मार्ट रिमोट मिलता है जिसमें बिक्सी वॉइस, एलेक्सा और गूगल वॉइस का भी सपोर्ट मिलता है। रिमोट में ही आपको हॉटकी जैसे नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम, सैमसंग टीवी प्लस मिल जाती है। सबसे ऊपर आपको वॉइस असिस्टेंट बटन मिल जाता है जिसका यूज आप एलेक्सा या Y के रूप में कर सकते हैं। रिमोट में आपको वॉल्यूम और चैनल अप डाउन का ही बटन मिल जाता है और रिमोट में आपको होम बटन का भी ऑप्शन मिल जाता है। इसके अलावा टीवी को मोबाइल एप्लीकेशन से भी कंट्रोल कर सकते हैं। प्राइस, सैमसंग का ये 4K टीवी इस टाइम अमेजोन पर 32,000 रुपए का है, लेकिन इस टीवी को तभी खरीदना जब इसका प्राइस 30,000 से कम हो, क्योंकि ऑफर में इस टीवी का प्राइस 25,000 से लेकर 30,000 रुपए के बीच में रहता है। सैमसंग का ये टीवी लाइट पर 105 वाट पर चलता है। अब बात करते हैं कि आपको ये खरीदना चाहिए या नहीं। यदि आप नॉर्मल काम जैसे वीडियो देखना, चैनल जो भी आते हैं, HDR10 की वीडियो, Amazon प्राइम, ये छोटे मोटे जितने भी काम है आप ये सब करना चाहते हैं तो आप इस टीवी को खरीद सकते हैं। लेकिन आप केवल गेमिंग के लिए ये टीवी लेना चाहते हैं तो यह है आपके लिए सही नहीं है, क्योंकि 50Hz रिफ्रेश रेट की वजह से इसमें आपको लैग दिखाई देगा। सो केवल गेमिंग के लिए ये टीवी नहीं खरीदें और नॉर्मल यूज के लिए ये टीवी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो यह टीवी आप खरीद सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Oh, my God.